HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निर्मल जयपुर में रह रहा था और 3 दिन पहले ही गांव आया था। निर्मल की शादी गांव में पड़ोस की लड़की सीमा मालव के साथ इसी साल 31 मई को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद निर्मल जयपुर आ गया। 19 जुलाई को सीए के एग्जाम का रिजल्ट आया था। निर्मल ने सीए फाइनल क्लियर किया था। रिजल्ट आने के बाद निर्मल जब गांव आया तो परिजन खुश थे। शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे निर्मल को फोन कॉल आया था। निर्मल छाता लेकर निकल गया। रात करीब 2:30 बजे तक नहीं लौटने पर परिजनों की उसकी तलाश की, फोन किए, मोबाइल पर कुछ देर घंटी जाती रही, लेकिन बाद में मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। शनिवार सुबह बच्चों ने स्कूल के बरामदे में उसका शव पड़ा होने की सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच, साथ ही निर्मल की पत्नी से पूछताछ की। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी सीमा और सीमा की बुआ के लड़के सुरेंद्र मालव को गिरफ्तार किया है। एसओ भाटी ने बताया कि सीमा का प्रेम संबंध उसकी सगी बुआ के लड़के सुरेंद्र मालव के साथ करीब 4 साल से चल रहा था। इसके बीच इसी साल सीमा का विवाह हो गया। शादी के बाद से ही सीमा मायके में रह रही थी। एसएचओ भाटी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि मृतक पत्नी सीमा ने उसके प्रेमी सुरेंद्र को फोन कर खजुरिया बुलाया और सरकारी स्कूल परिसर में छिपा दिया। सीमा ने उसके पति निर्मल को फोन कर स्कूल में मिलने के लिए बुलाया। जब निर्मल स्कूल में पहुंचा, तो सीमा ने निर्मल से कहा कि मैं आज आपको सरप्राइज देना चाहती हूं। आप अपनी आंख बंद करो। यह कहकर सीमा ने निर्मल की आंख पर शॉल की पट्टी बांध दी। दूसरे टुकड़ों से उसके हाथ व पैर बांध दिए। तभी इशारा पाकर स्कूल में छिपा सीमा का प्रेमी सुरेंद्र आ गया। दोनों ने शॉल के कपड़े से गला घोंटकर निर्मल की हत्या कर दी।